हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट. और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आप देख रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3rd का हमारा फर्दर पार्ट. लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. लोन्स बैंक से तो हमने देखे, लेकिन कोऑपरेटिव से कैसे लोन मिल सकता है, कैसे क्रेडिट लेते हैं. तो बैंक्स के अलावा अदर मेजर सोर्स जो था चीप क्रेडिट का रूरल एरियाज में, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जो सहकार से, सबके सहकारी से बनती है, ऐसी सोसाइटी बनाई जाती है. मेंबर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव पुल के, वो रिसोर्सेस, उनके जो रिसोर्सेस होते हैं कोऑपरेशन के लिए सर्टन एरियाज में होते हैं. There are several types of cooperative possibles. बहुत सारे अलग अलग टाइप के cooperatives जो हैं possible होते हैं, जैसे farmer का cooperative बना होता है, weavers का cooperative, industrial workers cooperative होते हैं, कृषक cooperatives function करता है village में, not very far away from Sonepur, जो Sonepur से ज़्यादा दूर नहीं था. It has 2300 farmers as a member, और उसके members जो थे 2300 farmers थे. ये accept करता था deposit को उसके members से ही, और ये deposit को collateral करके, डिपॉजिट को एज अ कोलैटरल कोऑपरेटिव जो है ऑब्टेन करता था एक लार्ज लोन को बैंक से. और ये फंड जो है वो यूज किया जाता था लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए उन्हीं 2300 मेंबर्स से या फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए. वंस दिस लोन्स आर रीपेड, एक बार ये लोन्स जब रीपे हो जाए तो अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग जो है फिर से वो शुरू करते थे, या अनदर फिर से पैसा कलेक्ट करके लोन उठाने का काम करते थे. कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड करता था लोन को परचेस करने के लिए एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को, लोन फॉर कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स के लिए, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और फॉर वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस. इन सारी चीज़ों के लिए कृषक कोऑपरेटिव जो है प्रोवाइड करता था लोन्स को. फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, हमने जैसे देखा अब एग्जांपल में कि पीपल ऑप्टेन करते थे लोन्स को वेरियस सोर्सेज से. वेरियस टाइप ऑफ लोन्स जो हैं वो कन्वीनियंटली ग्रुप किए गए हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के रूप में. अमंग द फॉर्मर एंड आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. बैंक्स और कोऑपरेटिव्स से लोन लिए हुए हमने देखे थे. इनफॉर्मल लेंडर्स में इंक्लूड करते हैं मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ग्राफ 1 में आप देख सकते हैं वेरियस सोर्सेस हैं क्रेडिट ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स के इंडिया में. इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल या इनफॉर्मल, कौन से क्रेडिट से हमें ज़्यादा कह सकते हैं, ज़्यादा क्रेडिट किस चीज़ से मिलता है वो हमें देखना है. डायग्राम हम देखेंगे सबसे पहले. सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रूरल हाउसहोल्ड के लिए इंडिया में देख सकते हैं मनी लैंडर से 30%, कमर्शियल बैंक से 25%, लैंडलॉर्ड से सिर्फ 8% होता है, ट्रेडर्स 3%, रिलेटिव और फ्रेंड्स से 7% और अदर्स से 7%. 27% कोऑपरेटिव सोसाइटीज से मिलता है या लिया जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग को फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन के. फॉर इंस्टेंस हमने देखा होगा बैंक्स जो है मेंटेन करती है मिनिमम कैश बैलेंस को आउट ऑफ डिपॉजिट्स दे रिसीव. जितना डिपॉजिट उन्होंने रिसीव किया है उसमें से मिनिमम कैश को बैलेंस करके रखती है, मेंटेन करके रखती है. आरबीआई मॉनिटर करती है बैंक्स को, एक्चुअली वो मेंटेन कर रही है कि नहीं कैश बैलेंस को. सिमिलरली आरबीआई जो है देखती है कि बैंक्स जो है वो लोन्स दे रही है तो ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस तो नहीं कर रही हैं, ट्रेडर्स को तो नहीं दे रही हैं, बट स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी देना चाहिए, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, कुछ स्मॉल बोरोवर्स को भी. पीरियोडिकली बैंक्स जो है ये सबमिट करती हैं इंफॉर्मेशन को आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि कितना जो है लैंडिंग हुआ है, किसे दिया गया है और किस इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है. आरबीआई जो है सारी बैंक से इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेती है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करे क्रेडिट एक्टिविटीज को लेंडर के इन एन इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता, इनफॉर्मल में जिसने दिया है वो ध्यान रखे, बाकी और कोई ध्यान नहीं रखेगा. दे कैन लेंड टू वॉट एवर इंटरेस्ट, उन्हें जिस इंटरेस्ट रेट पे देना है उस पर वो दें, जिस इंटरेस्ट रेट पे लेना है लें, जब लेना है लें. इनफॉर्मल सेक्टर में ये चीज नहीं देखी जाती. There is no one to stop them from using unfair means. और गलत तरीके से भी पैसा कैसे लेना है या देना है इस चीज़ को भी informal sector में रोका नहीं जा सकता, जिसे जैसा देना है वैसा दे सकते हैं. Compared to formal lenders, बहुत सारे informal lenders जो हैं वो चार्ज करते हैं बहुत ही ज़्यादा higher rate of interest. और इसीलिए cost जो होती है borrower की informal loans में वो बहुत ज़्यादा होती है चुकाने के लिए. हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो बोरोवर को देना पड़ता है सिर्फ लोन को चुकाने के लिए, और इसलिए बोरोवर जो है उसकी इनकम लेस हो जाती है और उसके पास खुद के खर्चे के लिए बहुत कम बचता है या कुछ नहीं बचता. जैसे श्यामल की स्टोरी हमने देखी थी. कुछ केसेस में हाई इंटरेस्ट रेट जो है बोरोइंग का उसका मतलब होता है कि अमाउंट जो रिपे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है इनकम ऑफ
बोरोवर से। इसके कारण आपको इंक्रीज करना पड़ता है, इंक्रीज हो जाता है आपका डेप, जैसे कि हमने रमा के केस में देखा था कि पूरी जो चीज़ है वो आपको पैसा चुकाने में ही लग गई, पैसा चुका ही नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। पीपल जो विश करते हैं कि वो स्टार्ट करेंगे किसी एंटरप्राइज को बोरो करने के बाद में, क्योंकि हाई रेट ऑफ कॉस्ट जो है बोरोइंग का, वो उन्हें ये चीज़ करने से रोक देता है, वो नहीं कर पाते। और इसी रीजंस के कारण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो ज़्यादा लेंड करती है या ज़्यादा देती है, लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करती है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली ऑफ वैरायटी ऑफ नीड्स। और इसके कारण उनकी इनकम्स भी ज़्यादा होती हैं, जो लोग लोन ले रहे हैं वो अपने पास सेव कर सकते हैं कुछ मनी, और चीपली वो वैरायटी ऑफ नीड्स को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं क्रॉप को, बिजनेस कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, वो सेटअप कर सकते हैं न्यू इंडस्ट्रीज को और ट्रेड्स को गुड्स में। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो बहुत ही क्रूशियल या इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है। ग्राफ 2 शो कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज का क्रेडिट के फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज। पीपल जो डिवाइड होते हैं 4 ग्रुप्स में, फ्रॉम पुअर टू रिच एज शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं 85% ऑफ लोन टेकन जो हुआ है वो पुअर हाउसहोल्ड्स के थ्रू हुआ है अर्बन एरियाज में, फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज से। और इसी के साथ में रिच अर्बन हाउसहोल्ड्स को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ओनली 10% जो है उनके लोन्स जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से हैं, वेल 90% जो हैं रिच लोगों के लोन्स जो हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से होते हैं, मतलब बैंक्स या कोऑपरेटिव से वो लेते हैं। सिमिलर पैटर्न जो है ये देखा जाता है रूरल एरियाज में भी। रिच हाउसहोल्ड्स जो हैं वो अवेल करते हैं चीप क्रेडिट को फॉर्मल लेंडर्स से, वहीं पे पुअर हाउसहोल्ड जो हैं वो पे करते हैं हैवी प्राइस को जब वो बोरो करते हैं किसी से लोन, और उसके बाद उसे चुकाते हैं तो बहुत पैसा उसे देना पड़ता है। क्या ये सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं? फर्स्ट, फॉर्मल सेक्टर जो है स्टिल मीट करता है ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल, और रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही मिलती हैं। ग्राफ 2 में सारे लोन्स जो अर्बन हाउसहोल्ड ने लिए हैं 2003 में, क्या परसेंटेज जो था वो फॉर्मल का है और क्या परसेंटेज इनफॉर्मल का है। पुअर हाउसहोल्ड में आप देख सकते हैं पर्पल वाला जो है 15% जो बताया फॉर्मल सेक्टर से लिया, और 85% वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से, किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से, मनी लेंडर से, इन लोगों से ले रहे हैं, लैंडलॉर्ड से, इनसे लेते हैं ये 85%, और बैंक या कोऑपरेटिव से सिर्फ 15% लेते हैं। जबकि बैंक से और कोऑपरेटिव से लोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ेगा, पर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, पुअर हाउसहोल्ड्स ये नहीं समझते। हाउसहोल्ड्स फ्यू एसेट्स के साथ में 47% अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल सेक्टर्स हैं, 53% इनफॉर्मल्स हैं, ये भी ज़्यादा ही है। जो वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स होते हैं वो 72% फॉर्मल से लेते हैं, समझदार लोग होते हैं, इनफॉर्मल से 28%, और रिच हाउसहोल्ड जो होते हैं वो 10% ही इनफॉर्मल से लेते हैं, बाकी पूरी तरह से लीगल या फॉर्मल सेक्टर से काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस तरह से यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।